नमस्कार, मैं प्रियांशी निर्माण आईएएस के ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के ऑडियो आर्टिकल का विषय है एनजेएसी न्यायिक सक्रियता व संसदीय संप्रभुता। अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दौरान राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निरस्त होना संसदीय संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। राज्यसभा के सभापति जी ने यह भी कहा है कि 2015 में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम का निरस्त होना संसदीय संप्रभुता के साथ एक गंभीर समझौता और जनादेश का अपमान भी है। हम जानते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का समन्वय होना बहुत ही जरूरी है और ये तीनों ही अपने दायरे में रहकर कार्य करें तो लोकतंत्र के हित में है। जब ये तीनों अंग अपने दायरे में रहकर अपना काम करते हैं तभी लोकतंत्र फलता फूलता है। इन तीनों में से कोई भी अंग अगर अपनी सीमा से इतर जाकर दूसरे के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इससे शासन में अव्यवस्था पैदा होती है। श्री जगदीप धनखड़ जी ने संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के सभापति का पद ग्रहण करने के बाद राज्यसभा को संबोधित करते हुए ये सभी वार्ताएं की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99 संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया था। आइए देखते हैं क्या है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग व इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। विदित हो कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय एवं देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 13 अप्रैल को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 सबके 99 संविधान संशोधन को अधिसूचित किया था। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री और 2 जानी मानी हस्तियां भी इस आयोग का हिस्सा थे। आयोग ने इन 2 हस्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति को करना था जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता भी शामिल थे। आयोग से संबंधित एक दिलचस्प बात यह भी थी कि अगर आयोग के 2 सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124 और 219 के तहत की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के आधार पर की जाती थी जिस पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती थी। वर्ष 1993 में एक अहम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का अर्थ उसकी कानूनी अनुशंसा है जिसे स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार बाध्यकारी है। तत्पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होने लगी। 2014 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था जिसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए असंवैधानिक करार दिया था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने वर्तमान स्वरूप में न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप मात्र है। इसी मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने के लिए चल रही सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मुख्य न्यायाधीशों के साथ सलाह मशविरा करके नया एमओपी तैयार करे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है और शीर्ष न्यायपालिका में न्यायाधीशों के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं जो कि काफी दिनों से विवादित भी रहे हैं। इसी के साथ आज का ऑडियो आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।